एक तरह सीनियर टीम टेस्ट क्रिकेट से जूझ रही है, तो सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में यागिस्तान में शुक्रवार से शुरू हुई चार मैचों की T20 सीरीज में अपने तेवर पूरी तरह साफ कर दिए हैं और बता दिए कि वह चार मैचों की इस सीरीज में इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे जो संजू सैमसन 107 रन से डरबन में पहले T20 में मेजबानों को दिखाए। संजू ने अतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 7 चौके और 10 छक्कों की मदद से 107 रन बना दिए। बहरहाल इस पारी के साथ ही संजू सैमसन ने वह इतिहास रच दिया है जो अंतरराष्ट्रीय T20 में पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर सका। संजू सैमसन ने मानो वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने 12 अक्टूबर को हैदराबाद में छोड़ा था, ठीक वही लय और वही तेवर में, और वह एक बार फिर शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीकियों के उनकी धरती पर बैंड बजा कर रख दिया। और जब उन्होंने 47 गेंदों पर 7 चौकों और 9 छक्कों के साथ शतक जड़ा तो इसी के साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट में वह इतिहास रच दिया जो पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई नहीं कर सका। वह लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय पारी में 2 शतक जड़ने वाले भारत के पहले और कुल मिलाकर 4th बल्लेबाज बन चुके हैं। आपको बता दें, गुस्ताव मैकॉन, रिले सोवे और फिल शॉर्ट लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय पारी में शतक जड़ने का कारनामा कर चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में अब संजू सैमसन सामने लगातार तीसरी पारी में शतक जड़कर लगातार 3 T20 शतक जड़कर पहला बल्लेबाज बनने का मौका ले सकते हैं। वह ऐसा कर पाते हैं या नहीं, यह तो दूसरे T20 में ही साफ हो पाएगा। कुल मिलाकर पहले ही T20 मैच में संजू ने प्रचंड फॉर्म हासिल कर लिया है और अगले कुछ मैचों में उनके बल्ले से कुछ बेहतरीन पारियों को जरूर देखने को मिल सकता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।